फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, CGM यानी कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, और अगर जो शुगर पेशेंट है यानी कि जिनको शुगर लेवल थोड़ा सा हाई रहता है या फिर जिनको शुगर नहीं भी है तो इस CGM डिवाइस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है, होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सो एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था। सो ये वीडियो सीरीज जो है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे स्टेप्स आप क्या कर सकते हैं जो आप शुगर लेवल को कम विदाउट एनी मेडिसिन आप ले सकते हैं। मैंने भी 2 साल तक मेडिसिन लिया, उसके बाद मुझे जब जानकारी मिली कुछ स्टेप्स का, वही मैं फॉलो करूँ। पिछले ऑलमोस्ट 2 सप्ताह से, लगभग 2 सप्ताह हो गया मैं मेडिसिन नहीं ले रहा, फिर भी अभी धीरे धीरे मेरा जो ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। मैं कोई भी मेडिसिन यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के सिलसिले में एक मैं बात बताना चाहूंगा, CGM यानी कि जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, ये जो यहाँ पे लगा है, ये बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर ये लगा हुआ है। सो ये होता क्या है, एक्चुअली काम कैसे करता है, ये 24/7 ये बेसिकली डिवाइस जो होता है, कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 3000 टू 4000 अलग अलग प्राइस में होते हैं अलग अलग ब्रांड के। तो मैंने इसका नाम है फ्री स्टाइल लिब्रो प्रो करके ऐसा है, उसका मैंने परचेस करा था। सो ये किसी कंपनी के थ्रू मैंने इनरोल किया था, और ये जो इसका जो, मैं इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल दूंगा। इसमें होता क्या है कि 24/7 आप कुछ भी कर रहे हो, मान के चलो आपने कुछ खाया तो उसका जो शुगर लेवल उससे कितना बढ़ा, या फिर मान के चलो आपने कुछ एक्सरसाइज किया तो उस समय आपका एक्सरसाइज करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या आया, शुगर लेवल कितना कम रहा या ज्यादा हुआ, या फिर लंच करा आपने या डिनर करा, सो उसके बाद आपको कितना शुगर लेवल बढ़ा, किस तरीके से बढ़ा, या फिर कभी कभी इस चीज के लिए भी हेल्प करता है कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज और कितने क्वांटिटी में खाया तो कितना शुगर लेवल बढ़ा। हर समय आप ग्लूकोमीटर से तो आप चेक नहीं कर सकते रहे, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन ये जो एक ऐसा डिवाइस है, सो 24/7 जो काम करता है, ये जो डिवाइस होता है 14 दिन के लिए वैलिड होता है, 14 दिन एक्चुअली इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है। सो जो भी आप खाते पीते हैं 14 दिनों तक का डेली रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है कि जो कब आपका क्या खाया और क्या उस, मतलब आपका शुगर लेवल किस टाइम पे क्या था। सो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि चलो ठीक है, इस चीज को आपने खाया तो उस टाइम पे इतने क्वांटिटी में खाया था तो उसको थोड़ा सा कम करना है, या थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कम ही करना है। आपको डाइटिशियन जो आपको प्लान देते हैं उसके अनुसार आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि शुगर ये चीज खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको खाना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें जो शुगर लेवल जो बढ़ते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यस आपको इतना फॉलो करना पड़ेगा जो डाइटिशियन आपको देते हैं प्लान, उनको आपको स्ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। सो मैंने अभी जो प्रोग्राम ज्वाइन किया है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स के लिए, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज लोग समझेंगे मैं प्रमोशन कर रहा हूं। ये मुझे जब से मैं इसमें इनरोल हुआ और उन डाइट्स को मैं जब फॉलो कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बता दूंगा कि क्या कैसे करना है। सो और इसका प्लान के रिलेटेड मैंने बताया, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। लगभग 1 साल का जो ईएमआई में कन्वर्ट हो गया था, लगभग अराउंड 1000, उतना ज्यादा भी नहीं है। सो 1000 आप जो मेडिसिन में खरीदते हैं, मेडिसिन में खर्च करते हैं, हर एक अगर जिनको भी शुगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली लगभग लगभग 1000 रुपए, 800-900 रुपए के आसपास का मेडिसिन में खर्च जरूर हो जाता होगा कंट्रोल करने के लिए। तो उसे बेटर है, उसके बजाय आप इस प्लान को अगर ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा। आपको एक डेडिकेटेड जो डाइटिशियन मिल जाता है, आपको प्लान बताएगा क्या करना है, कब क्या करना, बहुत अच्छा फॉलो अप है। मैं जैसे कि मैंने बताया कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं इसका रिजल्ट दिखाने वाला हूं। इसका जो होता क्या, मोबाइल एप्लीकेशन में कनेक्टेड होता है, जब भी जो यानी कि इसका जो लाइव रिपोर्ट कुछ देर में ही अपडेट होता है, लेकिन जो अपडेट होता रहता है कि किस टाइम पे आपका कितना शुगर लेवल था, तो इस चीज को कंटिन्यूअस आप मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। और कोई जरूरी नहीं है जिनको शुगर लेवल की जो हाई होता है वही यूज कर सकते हैं, ऐसे लोग यूज कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट हेल्प मिलेगा
क्योंकि क्या होता है, जो जो शुगर लेवल बढ़ना कब शुरू होता है, जो कंटिन्यूअस जो होता क्या है कि कंटिन्यूअस जो शुगर लेवल बढ़ा होता उसके बाद जो होता क्या है, वो हैबिट हो जाता है और उसके बाद शुगर लेवल फिर घटने का नाम नहीं लेता, कुछ और प्रॉब्लम ऐसे हो जाता है। सो अगर आप पहले से इसको मॉनिटर करना शुरू करते हैं कि चलो ठीक है आपका थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो उसको आप कुछ क्वांटिटी में बदलाव कर सकते हैं। अक्सर जो होता है लोग किसी भी चीज़ को जब खाना होता है लोग बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से वो हैबिट हो जाता है। जैसे कि एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि बलून होता है, बलून को एक अगर आप जितना भी फैला जितना ही अगर नया लेते हो तो बिल्कुल सिकड़ा हुआ होता है, राइट। लेकिन अगर आप उसको डेली फुलाओ उसके बाद उसका जो आकार जो अगर हवा नहीं रहेगा थोड़ा सा उसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा हुआ टाइप का होता है, वैसे होता है, राइट। और बेसिकली आप जितना ही उसमें डालोगे जितना ही हवा भरोगे उतना ही फैलता है, राइट, रबड़ की थैली। सो वैसे ही हमारा पेट भी है, लोग एक दिन इतना खाया एक दिन अगले दिन इतना खाया, लोग वैसे धीरे धीरे अपना हैबिट बना लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है और एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा कुछ सिस्टम है फेल होना शुरू हो जाता है, उसको झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये सब शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे भी इंडिया में इसका जो शुगर लेवल का जो डायबिटीज पेशेंट्स का अगर आप वर्ल्ड में कहें, इंडिया में भी, इंडिया को बिल्कुल हब कहा जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को है, लेकिन जो लोग कभी चेक ही नहीं कराते हैं तो उसका कुछ एहसास नहीं हो पाता, पर मैक्सिमम लोगों को ये शुगर लेवल की प्रॉब्लम है। सो डेफिनेटली जो मैं इसका जो रीडिंग में दिखाऊंगा, स्क्रीन में दिखाऊंगा और बाकी सारे और भी बेनिफिट दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा कि कब मेरा शुगर लेवल कितना रहा। सो उस चीज को भी मैं आपको स्क्रीन में भी आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो मैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मीटर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो ऑसिन क्या है, ये जो, इससे पहले एक चीज और बता दूं, ये जो सीजीएम डिवाइस में जो सेंसर कैसे काम करता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जो कि अगर आप उसमें अगर आप देखेंगे कि कैसे काम करता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि एनेबल होता है, एनएफसी जिसको बोलते हैं, अगर आपके मोबाइल में एनएफसी है जो कि एक काम करता है जो इसको स्कैन कर सकता है, तो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप कंटिन्यूअस रीडिंग ले सकते हैं। और या फिर एक डिवाइस पूरा सेट होता है जिसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे भी आप सेंसर को करके उसका स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका रीडिंग आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो किस टाइम पे आपने खाया, यहाँ पे टाइम के साथ दिखा रहे 95:11:02 पे, या इसी तरीके आपका कंटिन्यूअस आपको दिखाता रहेगा डेटा की, यानी कि आपने, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है कि आपका लगभग 156 था, यानी कि 9:02 पे, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने करा होगा तो इसका जो ग्लूकोज जो शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। और इससे पहले हो सकता है ये जो आपका जो इस शाम का 7 बजे का टाइम हो सकता है मैंने जो यहाँ पे डिनर करा था ये आसपास में, अच्छा डिनर मैंने यहाँ पे 10 AM के टाइम पे मैंने ब्रेकफास्ट करा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शुगर लेवल 202 के आसपास चला गया था, उसी तरीके यहाँ पे आपका 180 तक चला गया था। तो इससे आप लर्निंग क्या हो सकता है कि ओके चलो ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी रोटी वगैरह या ज्यादा आप ले लेते हो, जो डाइटिशियन ने कहा हो और आप उससे ज्यादा ले लेते हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। तो ये आपका कंटिन्यूअस आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप अच्छे से काम कर रहे हो कि भाई आपको, अच्छा ये तो नाइट का टाइम है तो नाइट का टाइम पे ऐसे भी स्टेबल थोड़ा सा जनरली होता है, और यहाँ पे 11:47 सो इस टाइम पे आप मैं कर रहा हूँ, यहाँ डेट लिखा था 19th को, ये आपका 19th मार्च को, तो उस टाइम पे आप क्या ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपका बिल्कुल 80-140 के आसपास का जो शुगर लेवल रेंज है, तो इसको आप बेसिकली मॉनिटर कर सकते हो, क्या ऐसा खा रहे हो या क्या ऐसा
अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे कि आपने मान के चलो इस टाइम पे आपने ऐसा कुछ खाया, यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा हाई चला गया है राइट, यहाँ पे थोड़ा सा तो 9:30 बजे या ऐसे आसपास, तो ऐसा कुछ आपने मैंने खाया होगा जो अपने पेन पेपर से आप भी नोट कर सकते हो। हालांकि इस सॉफ्टवेयर में भी फीड करने का होता है कि आप किस टाइम पे क्या खाए हो, सारा आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपके CGM के रिपोर्ट से आप मैच कर सकते हो कि किस टाइम पे आपका शुगर लेवल बढ़ा था, तो उस समय क्या खाए थे आप और उसकी क्वांटिटी क्या थी। तो हो सकता है उस क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो एक बेनिफिट होता है CGM का, आपको हर एक बार आपको ग्लूकोमीटर यूज नहीं करना, बल्कि इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि आपने क्या ऐसा करा या क्या कुछ नहीं खाया जो शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन चला गया। तो इस तरीके से आप जो CGM का यूज कर सकते हैं। मैंने मोबाइल एप्लीकेशन में यूज करूं, मोबाइल एप्लीकेशन को मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके बेसिकली मैं इसको रिपोर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने मोबाइल का, और इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक CGM एक्चुअल में रिपोर्ट कैसे शो करता है। तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज को जो रीडिंग करता है वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है जो उनको शुगर लेवल की प्रॉब्लम है उनको भी, और जिनको शुगर लेवल की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी। हो सकता है कभी कभी ज्यादा खा जाते हो या इस तरीके से हैबिट है ज्यादा खाने की, उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है लेकिन पता तो नहीं चल पाता है राइट। वो बिल्कुल ही हाई लेवल पे बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब लोगों को पता चल पाता है। लेकिन आप इस तरीके से अगर कभी कभार में भी साल में एक बार अगर आप इंस्टॉल करके आप एक रूटीन चेकअप के लिए आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि सेम चीज खाते हो तो हो सकता है आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है लेकिन अगले का ना बढ़े। तो एटलीस्ट आपको क्या ऐसी चीजें हैं खाने वाली चीज जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि चलो इस चीज को मैं खाता हूं तो शुगर लेवल मेरा बढ़ जाता है, इस चीज को खाता हूं तो स्टेबल रहता है। तो अगर आप इसी रेंज में 80 से 140 के रेंज में अगर आप रहते हैं, तो जैसे कि बिफोर ब्रेकफास्ट आपका 100 से नीचे होना चाहिए, और अगर लंच भी करते तो 140 तक होना चाहिए। अगर कभी कुछ जाता है ऊपर, जैसे कि मेरा कभी कभी ऊपर चला जाता है क्योंकि अभी मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है शुगर लेवल का, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करने में हेल्प मिल जाएगा कि चलो ठीक है आपने इस टाइम पे ये चीज खाया तो मॉनिटर कर सकते। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो डाइटिशियन ने जो हमें प्लान दिया है उसी चीज पे मैं वर्क करने की कोशिश करूं कि क्या ऐसा और इंप्रूव करूं। इसमें मैटर करता है आप क्या चीज खा रहे हो और किस टाइम पे खा रहे हो। इसका जो मैं अगले वीडियोस में और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन जो एक्सपर्ट हैं वो किस टाइम पे क्या क्या सजेशन देते हैं, तो उसका भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा जो कि आपको आइडिया लग जाएगा। आपको बिना उसके ही शायद आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर वही चीज कुछ फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये आपको शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगा। शायद आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पैसे वगैरह की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मेरे टिप्स से ही कुछ उनको फॉलो करके आप अपना काम कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं बेसिकली। सो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले कुछ वीडियो सीरीज में और कुछ मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी चीजें हैं, कब कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वीडियो में शेयर करता रहूंगा जो कि आपके जो शुगर लेवल को मेंटेन करने में क्या क्या ऐसी चीजें करना है वो आपको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।